हेलो फ्रेंड वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं कि इसमें क्या अमेंडमेंट का प्रस्ताव रखा गया है तो ये आपके यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा यहां पे मैं जो जानकारी आपको दूंगा पूरी तरह से ऑथेंटिक है पूरी तरह से सही है क्योंकि पूरी जानकारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ लेकिन इससे पहले कि मैं आपको जानकारी दूँ आपके लिए एक आवश्यक जानकारी शेयर करना और आवश्यक है अगर आप फार्माकोलॉजी फार्माकोग्नोसी बायोकेमिस्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपके एग्जिट एग्जाम में पूछे जाएंगे इनके ऑनलाइन ऑफलाइन एम की तैयारी करना चाहते हैं साथ में इनके कुछ बेसिक नोट्स पी के फॉर्म में विद इन ऐप डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप सोलेशन फार्मेसी का जो ऐप है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आप प्ले स्टोर से सर्च भी कर सकते हैं इसके बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के सोल्यूशन बेस्ट एवर ऑल इन वन का कोर्स सब्सक्राइब कर लें वहाँ पर आपको तीनों सब्जेक्ट के एम मिलने वाले हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन वो देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से है यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है फिर भी मैं आपको हर बार कहता हूं ऑफिशियल साइट पे ही भरोसा करिए पे देखिए पॉलिसी एंड सर्कुलर इसके नीचे आएंगे तो पॉलिसी एंड सर्कुलर का एक और पॉप ऑप्शन ऑप्शन है है यहाँ पे जब सर्कुलर पर क्लिक करेंगे यहां से आकर के तो आपको ये वाला ऑप्शन खुलेगा जो मैंने अभी आपके सामने ओपन करके रखा हुआ है इसमें चौदह तारीख की डेट में यानी कि चौदह सेप्टेम्बर दो की डेट में दो नोटिफिकेशन है एक तो रिगार्डिंग फेक मेल अलर्ट

शन रेगुलेशन 2022 हजार पे यहां चीज किया गया है कि रिफरेंस टू द अब साइटेड सब्जेक्ट यहां पे आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है दो चीजें आपके लिए यूजफुल नहीं है तीसरा पॉइंट देखिए ये है हमारा तीसरा पॉइंट ये कहता है थ्री सेवन वर्स्ट एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द पी सी आई तीन सौ इकहत्तर एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द पी सी आई इन इस मीटिंग हेल्ड ऑन आठ अगस्त आठ अगस्त को एक मीटिंग हुई थी हज़ार बाईस में उसमें डिसाइड किया गया है कि कुछ अमेंडमेंट में स्टार्ट किया जाए और वो डिप्लोमा इन फार्मेसी के रेस्पेक्ट में जो एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन दो हजार बाईस जारी हुआ था उसी के रेस्पेक्ट में है यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पहले क्या प्रपोज था उसमें अमेंडमेंट क्या समझा जाए ये जानकारी आपको दी जा रही है पहले प्रपोज क्या था वो आप देख लें प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग एग्जिट एग्जामिनेशन अमेंडमेंट के पहले का प्रस्ताव था थ्री पेपर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी मैं उनको टिक कर रहा हूं जिनके आपको एमसीक्यू हमारे ऐप पर मिल जाएंगे फार्माकोलॉज के बाद फार्माकोग्नोसी उसके बाद बायोकेमिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हॉस्पिटल फार्मासार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रेडेंस ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट द लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन शेल बी इंग्लिश द टेस्ट ऑफ इच पेपर शेल बी ऑफ थ्री आवर्स यहाँ पे देखिए द टेस्ट ऑफ इच पेपर शेल बी थ्री आवर्स और ऊपर में लिखा हुआ है देर शुड बी थ्री पेपर्स ये पहले का प्रस्ताव था जिसमें कुछ अमेंडमेंट इनिशिएट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली देर शैल बी वन पेपर इनको बोल्ड भी किया गया है देर शैल बी वन पेपर देखिए पहली चीज क्या थी पहला ये कहा गया था कि तीन पेपर प्रस्तावित हैं इन सब्जेक्ट को मिलाकर के तो तीन पेपर मतलब तीन दिन एक पेपर तीन घंटे का तो तीन दिन जाएंगे तीन दिन घंटे तीन तीन दिन के हिसाब से जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं था तो अब उन्होंने क्या किया है देर शैल बी ए वन पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी फार्माकोग्नोसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रडेंस एंड ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट तो वही हैं लेकिन पहले इन सब्जेक्ट्स के तीन पेपर बनने थे तो अब इन पूरे सब्जेक्ट के केवल एक पेपर बनेंगे साथ में आगे देखिए वो भी इंपॉर्टेंट है द लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश वो तो क्लियर कर लिया है. मैंने भी आपसे कमेंट पूछा था आपने तो मैं उसको बताया था द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट शैल बी ऑफ 3 एंड हाफ आवर्स जो ड्यूरेशन होगा एग्जाम का वो 3.5 घंटे होंगे ऐसा अमेंडमेंट प्रस्ताव किया गया है इसके बाद देखिए कॉलम में देखिए अकेडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग पासड ओनली इफ द ऑप्टेन अ मिनिमम ऑफ फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन ईच पेपर सेपरेटली पहले का जो प्रस्ताव था ये कि तीन पेपर में हर एक व्यक्ति को जब तभी पास माना जाएगा जब वो तीनों पेपर में इंडिविजुअली पचास परसेंट या उसके ऊपर मार्क्स लेकर के आता था मतलब तीन पेपर के रेस्पेक्ट में थे अब यहाँ पे क्या प्रस्ताव रखा गया है अ कैंडिडेट शेल बी डिक्लेयर्ड एज हैंग पास ओनली इफ ही और शी ऑप्टेन अ मिनिमम ऑफ फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन द पेपर ऑब्वियसली कंडीशन वही है लेकिन बहुत बड़ा चेंजेस है तीनों पेपर में 50% 50% 50% ना हो करके जो तीनों पेपर थे वो तो एक ही पेपर होंगे अभी एक ही पेपर में ओवरऑल 50% या उससे ऊपर मार्क्स लेकर के आप आओगे तो आप पास माने जाओगे नेक्स्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है अ कैंडिडेट शेल हैव टू पास ऑल द थ्री पेपर्स इन द सेम अटेम्प्ट यहां पे देखिएगा फोकस करना इस चीज पे

तीन पेपर एक दिन जब एक अटेम्प अटेंड कर रहे हैं तो तीनों पेपर सॉल्व होने चाहिए ऐसा नहीं कि मैंने दो पेपर पास कर दिए तीसरे में फेल हो गया अगली बार छह महीने बाद या एक साल बाद जब यह पेपर दूंगा तो इसको पास करूंगा नहीं आपने एक बार एग्जाम हॉल में बैठा तीन दिन पेपर दिया करके पास होना था यह पुराना वाला नोटिफिकेशन था अपडेट क्या कहता है पेपर इन द सेम अटेम्प्ट ये तो यहां तक ठीक है

इन्होंने प्रपोज किया अमेंडमेंट को सुधार के प्रस्ताव को मॉडिफिकेशन के प्रस्ताव को दिया उसके पीछे जस्टिफिकेशन है कि भाई ये क्यों चेंजेस कर रहे हैं उसके पीछे का कारण सुनिए उनका तर्क समझिए देर विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज इन इन एडमिनिस्ट्रेटिंग एग्जामिनेशन ऑन थ्री डे ऑफ अराउंड टू लैक्स कैंडिडेट या तो पहले से क्लियर था वो चीज मैं भी हम परेशान थे कि तीन पेपर होंगे तीन दिन होंगे तो एक बच्चा कहीं बाहर रहता है उसका सेंटर कहीं और होगा तो वह एक दिन आकर के कैसे भी एग्जाम देता है वो तीन दिन कैसे बाहर से आकर के पेपर देगा और तीन दिन के एग्जाम सेंटर के लिए तीन सेंटर बनाने होंगे वो तीन सेंटर तीनों दिन कैसे अलाउट होंगे ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो यहां पे ये भी लिखा हुआ है देयर विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज चैलेंजली ये चैलेंज था तो उसके कारण से ये प्रस्ताव को चेंज करने का सुझाव दिया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे प्रभावित होंगे दूसरा इट विल इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टूडेंट भैया ये लिख तो जरूर दिया है कि देयर विल बी अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टूडेंट बट यहां पे फाइनेंशियल बर्डन तो सब पे जाता ये स्टूडेंट पे तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि उनको बाहर से आकर स्टे करना पड़ेगा तीन का ट्रैवल करना पड़ेगा बट तीन दिन के टी एडीए जो एग्जाम अथॉरिटी होगी उनको भी तो लगेगा जो होंगे, उनको भी तो लगेगा तो इस तरीके से उन्होंने सब चीजों को कंक्लूड किया और प्रस्ताव दिया कि भैया एक ही दिन में इसको करने का प्रस्ताव रखते हैं आगे देखिएगा द काउंसिल वुड एप्रिशिएट टू हैव कंसिडर्ड कमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज ऑन द अब प्रपोज एमेंडमेंट ये प्रपोज है ना अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं कहा जा सकता और एक चीज़ तो आपको मैं कहूंगा जितनी एक्साइटमेंट हम पब्लिक को थी ये जानने के लिए कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा मुझे एज ए टीचर उससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि भैया एग्जैक्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जिट एग्जामिनेशन का आएगा कब एग्जाम होगा कब पैटर्न कब होगा इसकी जिज्ञासा मुझे बहुत ज्यादा है मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं सो so, आगे पढ़ते हैं ऑन द अमेंडमेंट विद इन मंथ ऑफ ऑफ दिस लेटर यहां पे इस प्रपोज अमेंडमेंट के ऊपर उनके कमेंट के एक्सपेक्टेशन की जा रही है विद इन द मंथ मंथ्स ऑफ इशूइंग ऑफ दिस लेटर ये लेटर मैंने आपको दिखाया चौदह सेप्टेंबर दो को हुआ है और इसके तीन महीने के भीतर वो कमेंट एक्सपेक्ट करते हैं अंडर सेक्शन थ्री ऑफ टेन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 फोर्टी एट यहाँ पे इनेबल द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया टू टेक फर्दर एक्शन इन मैटर अब मुझे ये चीज़ पढ़ करके मुझे पिछला नोटिफिकेशन याद आ रहा है जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कब एग्ज़ाम होगा नवंबर के आसपास वो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये हो पाएगा नहीं, कि नहीं हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज स्टे काम एकदम शांति से रहिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए ऐसा ना हो कि एग्जाम डेट डिक्लेयर होगा तो मैं तैयारी करूंगा तब तक मैं शांति से बैठा रहता हूँ भैया एग्जाम तो होना है आज हो कल हो परसों कभी भी हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है एज ए स्टूडेंट आपको अपनी प्रिपरेशन आज के आज कर लेनी चाहिए हो तो बहुत अच्छा ना हो तो क्या जाता है आपका नुकसान नहीं जाएगा आपकी यही तैयारी आपको आगे आने वाले कॉम्पिटेशन एग्जाम लाइक फार्मसिस्ट या किसी और मेन सेमेस्टर एग्जाम या डिप्लोमा के बच्चे हो तो ईयरली एग्जाम में आपकी काफी काम आएगा और वैसे भी एम से उसके पैटर्न तो आप फॉलो कर ही चुके हो तो कुछ जाएगा नहीं आपका अगर तैयारी कर लोगे कुछ लोगों के कमेंट्स में मत जाइए कि इसको ये करिए वो करिए डोंट गो फॉर देम जस्ट तैयारी करिए आपका ही फायदा होने वाली चीज़ों से तो ये रहा आज का अपडेट इसके आगे जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको वो हमेशा रेगुलरली आपको हमारे जो सोलेशन फार्मसी ऐप है इसके थ्रू पहुँचाता रहता हूँ तो अगर आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम ऑफिशियल साइट से मिले एज वेल एज आप इन बेसिक सब्जेक्ट में से फार्माकोलॉजी फार्माकोलोसी बायोकेमिस्ट्री इनकी तैयारी करना स्टार्ट कर दें हालांकि मैं और बिल्ड के ऊपर काम कर रहा हूं वो जल्दी आपको मिलने लगेगा तो आप स्टोर सेक्शन पर जाकर सोलह बेस्ट एवर कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका जो चार्ज है नॉमिनल चार्ज है हंड्रेड एक्सक्लूडिंग टैक्स और इसकी जो है वो छह महीने की है सौ रुपए में पूरे छह महीने की तैयारी एग्जाम हो तो भी अच्छा नहीं हो तो भी आपके डिप्लोमा में काम आएगा सब्जेक्ट बढ़ गए अगर और तो भी आपको कोई पैसा एक्स्ट्रा देना नहीं है जब तक आपकी एबिलिटी है उस बीच पूरे सब्जेक्ट अगर हम भी अपलोड कर देते हैं तो भी आपको सौ रुपये के अंदर मिलेगा तो ये आपके लिए ही बेनिफिट है अगर आपको सही लगे तो क्योंकि हम टीचर हैं कोई चीज कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है हम पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ करते हैं उतना ही आपसे फीस ले रहे हैं जितना हमारा जो खर्च है वो निकल जाए नो प्रॉफिट नो लॉस बाकी चॉइस आपकी है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नमस्कार टेक केयर